तीन काम ऐसे बताइए योगी मोदी के कि जिसकी वजह से आपने गुरु मान लिया। अयोध्या का राम मंदिर, जय श्री राम बोलो पहले माइक में, जय श्री राम। एक काम हो गया ठीक है। यूपी में योगी जी ने गुंडागिरी खत्म, पिस्टल लोड ये सब खत्म हो गया, बोलो जय जय श्री राम। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जय जय श्री। योगी जी ने जो किया वो अखिलेश जी ने भी नहीं किया, मायावती ने तो केवल हाथ खड़े कर दिए पत्थर के बना बना के। मथुरा की बिल्कुल तैयारी है, इनके दर्द हमेशा रहेगा जब तक वो इस्लामी राष्ट्र नहीं बना देंगे भारत को। अब इनके दर्द को ना मोदी दूर कर सकते ना योगी दूर कर सकते, हमें ना तो मुसलमान से दिक्कत ना इस्लाम से दिक्कत, हमें दिक्कत इससे है जो हमारे देश में बैठ कर हमारे देश के लिए साजिश कर रहा है। देश का गलती मोदी ही चाहिए हमको तो, और क्या मोदी ही क्यों, मोदी इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी जी एक काम ऐसे हैं ये देश के तरक्की कर सकते हैं, अन्यथा किसी के बस की नहीं है, किसी के बस तरक्की करना। योगी जी तो कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात याद है, करनी चाहिए उनको तो, किया है और क्या करनी चाहिए, किया है बाबा ने, कुछ किया बाबा ने, बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं, जो चीज नहीं होनी थी वो चीज हिंदुस्तान अब यूपी में हो गई। जो अच्छा, अखिलेश के उत्तर प्रदेश में और योगी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है? विशेष अंतर है, योगी जी ने जो किया वो अखिलेश जी ने भी नहीं किया, मायावती ने तो केवल हाथ ही खड़े कर दिए पत्थर के बना बना के। अखिलेश जी ने है क्या केवल अपना है क्या हाईवे बनाए, हाईवे बने होते तो बात ही नहीं, वो कागजों में ही बन के रह गए हाईवे, हाईवे कागजों में ही बन के रह गए हाईवे, हाईवे तो अब दिख रहे हैं जो बने हुए जिन पर दौड़ लगा रहे हैं हम और आप। लगता है कि मथुरा की बारी आज, मथुरा की बिल्कुल तैयारी है, तैयारी है बिल्कुल तैयारी है, जो कुछ देखना है हम और आप दोनों जने देख लेंगे जब ही जाएंगे ऊपर। अच्छा, पहले जाने वाला नहीं, नहीं। आपने अपनी अपनी जाने की तैयारी से, अपने जाने की तैयारी से पहले जैसे अयोध्या को हुआ है ना ऐसे ही मथुरा का होगा, हम सेवा करके जाएंगे, कार सेवा करके जाएंगे, जब जन्म जा लिया तो कार सेवा करेंगे ही। कृष्ण भगवान की जय, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर मौका मिला तो करेंगे, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा मौका लिया जाएगा, लिया जाएगा बिल्कुल। तो आप चाहते हैं ये मामला सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए सारे काम, लड़ाई झगड़े से क्या रखा है, राजीनामा होनी है। मैंने कभी अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव को मंदिर में आते हुए नहीं देखा अपनी अपने जीवन में, बाबा को 6 साल में 18 बार बाबा दर्शन कर चुके हैं मंदिर में, तो आप हाँ इसको कल आए थे जिसको मिला के 18 बार बाबा ने दर्शन करे, तो इसका मतलब क्या है कि बाबा बेर बेर आ रहे हैं, तो मथुरा की पूरी तैयारी में लगे हुए, रात में सोते समय कभी भी ऐलान हो जाएगा कि मथुरा का नंबर आ चुका है, सब लोग तैयार हो जाएं, तैयार हो जाए। हम तो तैयार हैं शुरू से, सब तैयार है, सब तैयार, मथुरा काशी बोलते ना वो अयोध्या, वो अयोध्या बाकी है, मथुरा काशी की झांकी है, हाँ मैं भूल गया हूँ, लेकिन अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा भी बाकी है, समझ लो। और आप कह रहे हो अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव के राज में तो रंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो रंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। देखो अखिलेश यादव के राज की बात और बाबा के राज में क्या फर्क है, अखिलेश यादव के राज में यहाँ पे मंदिर के बगल में ही मांस मदरा दारू सारी चीजें बिक रही थी, जब से बाबा का राज आया है मांस मदरा दारू बिकना मंदिरों में क्षेत्र में बंद हो गया है, ये सबसे बड़ा जो भी तीर्थ स्थान है मंदिर है इनके लिए बहुत गौरव करने की बात है, आज से पहले कोई भी मांस मदरा दारू की दुकानें बंद नहीं करा पाया, खुलेआम बेचते थे, खुलेआम मंदिर के चौराहे पे बकरे को मुर्गे को टांग के बेचा जाता था, जब से आज सब मांस मदरा इधर बिक रहा है लेकिन हाईवे पे बिक रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमारे तो पेट में लात मारी है, क्या पेट में लात मारी है, इतने बिजनेस हैं आजकल, वो दूध बेच रहे हैं, होटल खोल लिए इन्होंने, पहले मांस मदरा बेच रहे थे अब छोले भटूरे और चाउमीन बर्गर बेच रहे हैं। हिंदुवादी छवि के नाते और कहीं ना कहीं इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति की, अच्छा पहले मुसलमानों की राजनीति होती थी तो बढ़िया था, अब हिंदू की राजनीति हो रही है तो गलत हो रहा है, मतलब आप मुसलमान की राजनीति पे बोल दो कि भाई पर सारे साधनों पे मुसलमानों का हक है तो अच्छा है, और जो है अगर हिंदू की राजनीति हो रही है तो इसमें गलत क्या हो रहा है बताओ मुझे। हाँ नहीं देखो कुछ लोगों के पेट में हमेशा दर्द होगा, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की वो मुसलमान आज भी जो है भारत में रह गए, वो भारत को छोड़ के नहीं गए, कुछ लोग हैं जिहादी लोग जिनके पेट में हमेशा दर्द रहेगा, कितना भी अच्छा काम हो जाए कितने भी बढ़िया चीज़ें योजना आ जाए जिनके दर्द हमेशा रहेगा, जब तक वो इस्लामी राष्ट्र नहीं बना देंगे भारत को, जब तक इनके मनसा पूरी नहीं होगी, अब इनके दर्द को ना मोदी दूर कर सकते ना योगी दूर कर सकते। ऑब्वियसली तो कह रहे हैं कि मोदी ने क्या हुआ, मतलब इधर इधर भागना क्यों है, क्योंकि बात करना है ना हमें,
असउद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई, एक मिनट, जब से मोदी सरकार आई है, मतलब सवाल सुनिए, कौन है ये, कौन है ये बताओ। अबे वो कह रहे असउद्दीन मेरे को कोई मतलब ही नहीं, मैं जानता। उनका सवाल ये है कि जब से मोदी सरकार आई है, उनका सवाल कैसे मानूं, मेरे को पता ही नहीं है कौन है ये, मैं जानता ही नहीं हूँ उनको, बताओ मेरे को कोई, मैं केवल योगी और मोदी को जानता हूँ और किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो इसको कैसे जानते हैं, ये तो हमारे गुरु लोग हैं, इन्होंने देश बदल दिया, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये कैसे पता सर? तुम्हें कुछ नहीं पता, ये कैसे पता है ना, ये पता है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव में भी रहता हूँ, ये नहीं पता, ये नहीं पता है, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। तीन काम मुझे बताइए, तीन काम ऐसे बताइए योगी मोदी के, कि जिसकी वजह से आपने गुरु मान लिया। गुरु मान लिया, देखो तुमको सब पता है, अयोध्या का राम मंदिर, जय श्री राम बोलो पहले माइक में, जय श्री राम, एक काम हो गया, ठीक है। और दूसरा ये कश्मीर में ये पंडित लोग का वो चल रहा था, सब वो कर दिया, हाँ खत्म कर दी, मतलब हटा दी, हाँ सब हटा दी, हाँ गुंडा, और यूपी में योगी जी ने गुंडागिर्दी खत्म, पिस्टल लोड ये सब खत्म हो गया, बोलो जय जय श्री राम। यात्री लोग आते थे यूपी में डरने से, अब यात्री लोग खुल के दिल जी से आ रहे हैं, हम घुमाते हैं उनको। तो बाबा ने दिल जीते ले आपका, बिल्कुल हमारी तरफ से योगी जी, मेरा थोड़ी नहीं, ये भाई लोग बोलेंगे, सभी लोग ए, बोलो बे, हाँ बे बोल, चौन आ रहे, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जय जय श्री। अखिलेश, अखिलेश यादव आपका दिल क्यों नहीं जीत भैया, अब इनको बस की थोड़ी ना है दिल जीतनो, अब इनकी बस की बात थोड़ी ना है दिल जीतनो, है तुम बताओ कितने दिन है गए, बिना कितनी साल है गए, एक भी बार आए मंदिर में देखने का, तो जो मंदिर में आएगा तभी दिल जीतेगा, और क्या भाई, जब ही तो देश की तरक्की होगी, भगवान से तुम मांग रहे नहीं हो, और तुम देखेगा, और क्या, जो देखेगा वही बिकेगा। अखिलेश यादव दिल इसलिए नहीं जीत पाए, जब भी इनके घर में कोई प्रोग्राम होता है, जन्मदिन वगैरह होते हैं, तो जालीदार टोपी लगा के अजमेर जाते हैं, मंदिर में कभी मंदिर में बोलते हैं यादव बन सजे हम, जब चुनाव आते हैं तो हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं, परशुराम का मंदिर बनाएंगे बड़े बड़े, चुनाव के बाद अभी वो खाली बैठे हैं, अभी चौनी मंदिरों में यात्रा कर रहे हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, आपको इस्लाम से दिक्कत है या मुसलमान से दिक्कत? ना तो हमें इस्लाम से दिक्कत है ना मुसलमान से दिक्कत है, हमें दिक्कत है जो हमारे, एक मिनट, हमें ना, रुको रुको सुनो, हमें ना तो मुसलमान से दिक्कत ना इस्लाम से दिक्कत, हमें दिक्कत इससे है जो हमारे देश में बैठकर हमारे देश के लिए साजिश कर रहा है इस्लामी राष्ट्र बनाने की, जो गद्दार है इससे, मुसलमान भी बढ़िया है इस्लाम भी बढ़िया है अपनी जगह, राष्ट्रवादी मुसलमान चाहिए, जो मुसलमान बोलते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, आप भारत का खाओगे भारत माता की जय नहीं बोलोगे, समझ रहे हो, नहीं अभी मंदिर पे पांच मस्जिद पे पांच मंदिर साफ बने हुए हैं, पान के पत्ते का बॉर्डर है, सारे मुसलमान मुसलमान नहीं जाते, मुसलमानियां दर्शन करने जाती है मस्जिद में, तो साफ दिखता है कि वो मंदिर है, फिर भी वहाँ मानने को तैयार नहीं है। जैसे आप उसकी बात करते हैं, वो कहते हैं गंगा जमुना तहजीब की बात, गंगा जमुना तहजीब खाली हिंदुओं के लिए, भाईचारे की बात करिए, भाईचारा चारा तो हमें, भाई तो वो है, ये हो रहा है और क्या, बताओ भाईचारा कहाँ है, योगी ने खत्म कर दिया ये सब, नहीं खत्म नहीं किया है, समाप्ति की है, अभी काम चल रहा है, अभी सभीकरण बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, काम हाँ सभीकरण बनाए जा रहे हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है, कहाँ से आना हो, बिहार से हैं, अरे वाह जी, बिहार में काम बताएंगे, बिहार में काम, बिहार में कर रहा बा, लेकिन सबसे बड़ा यूपी में बा, यूपी में क्या, फिर यूपी में क्या ना बा सबरी, अभी पहले हम लोग देखते थे कि जब ही होता था ये दीप दिवाली तो 5,000 की संख्या में नहीं आते थे लोग, अभी 50,00,000 से ऊपर क्या आए हैं, पूरा बिहार से उठ कर आया, पूरा हिंदुस्तान से उठ कर लोग आया, नीतीश का काम कर है, वो तो और जात पात करके ले लिए, नीतीश का काम कर है, बिहार को भी योगी चाहिए क्या, और एकदम पूरा हिंदुस्तान को योगी चाहिए, बिहार को योगी आदित्यनाथ की जय, जिंदाबाद। पीएम बनने के सपने नीतीश कुमार देख रहे हैं, वो तो सपना तो संजोगे हुए हैं, बिहार में, बिहार तो गर्क कर दिया है, यूपी जो है अभी हम लोग का सपना बन गया है, समझे, यूपी सपना बन गया है, योगी ऐसे हमारा नेतृत्व चाहिए बिहार को भी, तब बिहार का भी चमक दमक ऐसी यूपी की तरह होगा। और कहाँ कौन आया है आपके साथ, हमारे महिला लोग हैं और सब, जी जी जी, बाकी बिहार में सब ठीक है, बहुत ना बिहार में कहा ठीक, वहाँ बिहार में ना 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 गमा गई, यूपी में आए तो गदगद मन हो गए, एकदम गदम देख रहे, चमक दमक देख रहे, अभी देखे अब लोग, अरे क्या कहें, मंदिर में दर्शन करने जा रहा है, मैंने गदगद हो जा रहा है, ऐसे योगी याद आया, धर्म की जय हो गया, गोविंद 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 नाम है, कहाँ से रहने वाले, यही मथुरा के, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कि मथुरा में क्या है, मथुरा में क्या है, मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि और मस्जिद है, मस्जिद को हटवाने का व्यवस्था बनाया है, और क्या, ये तो बड़ी बात बोल दी आपने,
इसी का विवाद चल रहा है, इसको हटाने का ही नहीं, इसकी सरकार तैयार करेगी, कोर्ट में मामला चल रहा है, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, अरे हम तो चाह रहे हैं योगी जी जल्दी इसका निवारण करें, हम तो चाह रहे हैं जो योगी जी जल्दी निवारण करें इसका। अच्छा आप चाहते हैं? और क्या, सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहते, सभी चाहते हैं। लेकिन आपसी सहमति से संभव नहीं है, हिंदू मुसलमान बैठ के आपस में? अरे अगर यही होता तो कब का ही हट गया होता ना, अगर यही अगर होता तो कब का हट गया होता। मथुरा काशी अयोध्या तीन ही चाहिए हमें, 5,500 मस्जिदें नहीं हटानी है। हमारे जो 3 मंदिर हैं जहाँ भगवान ने बाकायदा जन्म लिया है, जन्म स्थान को नहीं बदल सकते, बाकी और मंदिर तो हम बहुत सारे बना लेंगे, लेकिन जो मथुरा में भगवान का जन्म हुआ है इस जगह को चेंज नहीं कर सकते, समझो। नहीं हम ये नहीं कह रहे 5,500 मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना है, हमको वो नहीं करना, हमें तो खाली 3 मथुरा काशी और राम मंदिर हो ही गया है, दोनों मंदिर हमको दे दिए जाए बस। काशी चाहिए आपको? क्या नाम है? दीपक भारद्वाज। कहाँ से आना हो रहा है? यहीं से हैं। सब ठीक ठाक? सब आनंद मंगल। आनंद मंगल जी हाँ। तो क्या बदला है, देश का पीएम अगला कौन चाहिए आपको? यही आने चाहिए योगी जी, बहुत यहाँ से सुधार हुआ है पहले से तो बहुत देखते हुए, नहीं तो कहाँ था, यहाँ अखिलेश के राज में कहाँ था? उनको उनको तो गुंडागर्दी चाहिए, राजा भैया चाहिए, गोलियां चाहिए, तो और क्या। यहाँ तो ये कि अब थोड़ा सा योगी को क्या चाहिए? योगी को शांति प्रिय देश चाहिए, सनातन चाहिए, सनातन चाहिए, हिंदू चाहिए, और भावना ऐसी ऐसी चाहिए जो एक दूसरे के प्रति, यदि जो भी अतिथि आए उसका देव भाव यानी देवता के समान सत्कार होना चाहिए। हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है? भाईचारा हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं है, मगर थोड़ा ने पुलिस का सब प्रशासन से थोड़ा पुलिस की बात है। क्या नाम है आपका? मैं तो बीएस विश्वकर्मा नाम मेरा। कहाँ से आना हो रहा है? मैं एमपी भोपाल से आया हूँ। तो मामा काम ठीक कर रहे हैं? मामा हाँ, अच्छा ठीक ठीक चल रहा है। अच्छा, मामा के राज में काम अच्छा हो रहा है या फिर योगी राज में काम अच्छा हो रहा है? यहाँ योगी राज में भी अच्छा हो रहा है, मामा के राज में भी अच्छा हो रहा है, दोनों जगह चल रहा है। नहीं नहीं, बुल्डोजर की बात नहीं है, बुल्डोजर की बात नहीं है, सब अच्छा जो उनको अपने हिसाब से साथ। मथुरा के कैसा लगा? मथुरा के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, भगवान के दर्शन कर रहे। कुछ बदलाव लग रहा है आपको यहाँ पे पहले के समय का और अभी में? कुछ बदलाव बहुत बहुत बदलाव लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत हमको। देश का अगला पीएम कौन चाहिए? अब जो भी बन जाए, कोई भी काम करे, जो अच्छा काम करे वो देश का पीएम। अच्छा काम कर कौन रहा है ये बताइए ना? वही जो अभी कर रहे हैं, मोदी काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर, काम कर हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, वही पीएम चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम दिनेश बघेल है। कहाँ से रहने वाले? मैं यही निकट रहने वाला मल्लुपुरा। क्या लग रहा है योगी का माहौल? क्या लग रहा है? विकास हो रहा है योगी जी का, ऐसी बात नहीं है, पर सारे काम पूरे हो रहे हैं। अभी भी चल रहा है क्या? हाँ, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। सजाने की तैयारी? बिल्कुल तैयारी है, तैयारी है, सब तैयार है, सब तैयार है, सब तैयार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर योगी, हर हर मोदी, हर हर योगी। पीएम को 3 ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। 3 ही नाम चाहिए? 3 ही नाम चाहिए। बाकी सब कहाँ जाएंगे? बाकी सब जाएंगे तेल लेने।